कि आखिर यही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का राम राज्य है? क्या ऐसे ही भारत विश्वगुरु बनेगा जो कथित राष्ट्रवादी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं? क्या यही उस हिंदू राष्ट्र के एक गांव का सैंपल है? क्या हिंदू राष्ट्र देश में यही सब कुछ होना बाकी है? जो लोग अपने महापुरुषों को भूलकर, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, हक दिलाए, चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, छत्रपति साहू महाराज हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, माता सावित्रीबाई फुले हो, तथागत बुद्ध हो, इन्होंने हमारे जीवन को एक पशु के जीवन से निकाल कर एक इंसान का जीवन दिया। और आज हम लोग इन सब बातों को भूलकर हम मंदिरों में भागते फिरते हैं और मंदिरों में क्या होता है, लेकिन फिर भी इन दलितों की समझ में नहीं आता है। और इस प्रकार के वीडियो सामने आने के बाद भी आपकी समझ में नहीं आता है तो चुल्लू भर पानी लीजिए, उसमें डूब मरिए। आखिर आप कब समझोगे कि इस देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है आपको जमीनी मुद्दों से भटकाने के लिए? ये तमाम तरह के प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं। राजवीर प्रधान की तरफ से बुना दिया कोई भी चमार उसकी डोर पर, उसके समाधि पर, उसकी ट्वेल पर कोई दिख गया, 5,000 रुपए जुर्माने के होंगे और भाई 50 जूते होंगे। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। वीडियो के शुरुआत में जो आपने क्लिप देखी है वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के पावटी खुर्द गांव की है। जी हां साथियों, इस वीडियो में बताया जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है कि कोई भी चमार उसकी डोल, समाधि या ट्यूबवेल पर पहुंचा तो उस पर 5,000 रुपए का आर्थिक दंड दिया जाएगा। साथियों केवल इतना ही नहीं, उसमें 50 जूते भी मारने का ऐलान किया जा रहा है। साथियों ये घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है। जी हां साथियों, उसी उत्तर प्रदेश की जहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था दुरुस्त होने की बात करते हैं और अपने राज्य में राम राज्य स्थापित होने की बात करते हैं, लेकिन चौंकिए मत, हकीकत में राम राज्य की सच्चाई यही है जो आपको कान खोल करके सुन लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरह से धराशायी हो चुकी है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। लगातार एक के बाद एक दलित पिछड़ों के साथ अन्याय अत्याचार की घटनाएं होती जा रही है, चाहे वो यूपी के अमेठी का मामला हो या चंदौली में एक यादव बेटी की पुलिस द्वारा निर्मम हत्या का मामला हो या उत्तर प्रदेश के ललितपुर में थाने में ही रेप पीड़िता की पुलिस द्वारा रेप की घटना हो, ये किसी से छुपे नहीं है। इतना सब होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में इस तरह के वीडियो सामने आना हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ये उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। हालांकि ये केवल उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं, पूरे देश में ही ऐसा माहौल है। जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं उनसे जनता को लगातार भटकाया जा रहा है, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, तो कभी बिल्डोजर की कार्रवाई के नाम पर, लेकिन देश में हकीकत में क्या हो रहा है उसकी कोई बात नहीं कर रहा है, ना ही मीडिया दिखा रही है। बिहार में किस तरह से लोक सेवा आयोग का पेपर लीक होता है, लेकिन मीडिया और ना ही कोई नेता, ना ही सत्ताधारी पार्टी में बैठे हुए मंत्री मुख्यमंत्री इस बात पर बिल्कुल चर्चा भी नहीं करते हैं, उनके कान में जू तक नहीं रेंगता है कि आखिर इतनी बड़ी घटना देश के अंदर कैसे हो रही है। चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, मध्य प्रदेश में पर्चे लीक हो जाते हैं, देश के बेरोजगार युवाओं को इस तपती धूप में धरना देने पर मजबूर होना पड़ रहा है, वो रेलवे ट्रैक पर आकर के धरना दे रहे हैं कि देश की सेना में इन युवाओं के लिए भर्ती निकले, लेकिन युवाओं को कौन समझाए कि अब तो देश की आर्मी भी संविदा पर नियुक्ति करने वाली है, उसने ऐलान कर दिया है। लेकिन साथियों आपको बता दूं, इन तमाम जमीनी मुद्दों से भटकाने के लिए ये एक साजिश हो सकती है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ये मामला आया है, ये वीडियो लीक हुआ है, वो लगातार सोशल मीडिया पर शेयर होता जा रहा है, तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर यही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का राम राज्य है? क्या ऐसे ही भारत विश्वगुरु बनेगा जो कथित राष्ट्रवादी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं? क्या यही उस हिंदू राष्ट्र के एक गांव का सैंपल है? क्या हिंदू राष्ट्र देश में यही सब कुछ होना बाकी है? साथियों इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा। और जो लोग अपने महापुरुषों को भूलकर,
जिन्होंने हमें चलना सिखाया, हक दिलाए, चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, छत्रपति साहू महाराज हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, माता सावित्रीबाई फुले हो, तथागत बुद्ध हो, इन्होंने हमारे जीवन को एक पशु के जीवन से निकाल कर एक इंसान का जीवन दिया। और आज हम लोग इन सब बातों को भूलकर हम मंदिरों में भागते फिरते हैं। और मंदिरों में क्या होता है आपने देखा होगा, राजस्थान में किस तरह से एक शादीशुदा दलित जोड़े को मंदिर से पुजारी भगा देता है, लेकिन फिर भी इन दलितों की समझ में नहीं आता है। और इस प्रकार के वीडियो सामने आने के बाद भी आपकी समझ में नहीं आता है तो चुल्लू भर पानी लीजिए, उसमें डूब मरिए। आखिर आप कब समझोगे कि इस देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है आपको जमीनी मुद्दों से भटकाने के लिए? ये तमाम तरह के प्रोपोगंडा चलाए जा रहे हैं। आप रोजगार की बात मत कीजिए, आप शिक्षा की बात मत कीजिए, आप स्वास्थ्य की बात मत कीजिए, आप देश में जो अपराध घट रहे हैं उनको रोकने की बात मत कीजिए, आप सामाजिक न्याय की बात मत कीजिए। ऐसी विचारधारा के लोग इस देश की तमाम सरकारों को पसंद हैं जो सामाजिक न्याय की बात न करें, लेकिन समझना आपको है। साथ ही आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर की जो घटना सामने आई है, वो इस घटना को आने के बाद भीम आर्मी के मुखिया और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है उन्होंने और चैलेंज दिया है कि यूपी के जिला मुजफ्फरनगर के गांव पावटी खुर्द में खुलेआम मुनादी हो रही है कि कोई भी चमार उसकी डोल समाधि ट्यूबवेल पर दिख गया तो 5,000 रुपए जुर्माना और 50 जूते होंगे। हिंदू बनने का जिनको शौक चढ़ा था उन्हें अब समझ आ गया होगा। वैसे इनकी गलतफहमी दूर करने में जल्द मैं पावटी जाऊंगा। यानी कि भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर रावण ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही इस घटना के बाद इस गांव में जाएंगे जहां से ये वीडियो वायरल किया जा रहा है, और ऐसी संकीर्ण विचारधारा वाले लोगों को उसका जवाब देंगे। साथियों, इस वीडियो में केवल इतना ही। आप इस वीडियो पर क्या समझते हैं? आपके लिए जरूरी क्या है, मंदिर या स्कूल?